वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। टुडे वी सी लेसन टू आवर फोर्थ क्लास इंग्लिश। स्टे टुगेदर, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। स्टे टुगेदर मीन्स होता है पहुँचने के लिए। An old man had four sons। बूढ़े आदमी के चार पुत्र थे। They always quarreled about one thing or the other। वह हमेशा एक दूसरे से किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते थे। The old man felt very sad about this। Old man हमेशा बहुत उदास फील करता था। He tried hard to stop their quarrels। He said to them। उन्होंने अपने झगड़े रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा, Do not quarrels like this। Be good brothers। Then you will be able to live happy lives। क्या बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि ऐसे झगड़ो मत और अच्छे भाई बनो। गुड ब्रदर्स बनो और आप जीवन में खुश जीने में सक्षम रहोगे। But they did not listen to him and he could not stop their quarrels। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और वे झगड़े नहीं रोक सके। सम इयर्स पास्ड। द ओल्ड मैन फील इल एंड वाज अबाउट टू डेड। कुछ वर्ष बीत गए। बूढ़ा आदमी बीमार हो गया। इल मीन्स होता है बीमार। तो कुछ दिन बीत गए, बूढ़ा आदमी बीमार हो गया और मरने की उसकी कंडीशन हो गई थी, मरने की नौबत आ गई थी। ही कॉल्ड ही सन्स टू हिम सेड एंड सेड, ब्रिंग मी अ स्टिक ईच वन ऑफ यू। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को, चारों बेटों को बुलाया और पास बुलाया और कहा, एक छड़ी लाओ। द सन्स वेंट आउट एंड ईच ऑफ देम कम बैक विद अ स्टिक। क्या हुआ कि प्रत्येक उन्हें कहा और प्रत्येक लड़के गए और एक छड़ी लेकर वापिस आए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज एल्डर्स, सन टाई देयर स्टिक्स टूगेदर इन टू अ बंडल। बूढ़े आदमी ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा द सन्स टाइड द स्टिक टूगेदर टाइटली विथ ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। क्या कहा कि इन लकड़ियों को एक बंडल बना लो, इन लकड़ियों का एक। कहानी में ये बताया गया है कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने चार बेटों को समझाना चाहता है कि आपस में झगड़ा न करें और अच्छे से रहे, ताकि जीवन में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, मैच द फ्रेसेस गिवेन इन कॉलम ए विथ वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट्स इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट, सन्स ऑफ द सम पेरेंट्स, एक ही माता का राइट आंसर आएगा ब्रदर्स। स्टिक टाइड टूगेदर का मीन्स होता है एक साथ बंधे चिपक का राइट आंसर आएगा ए बंडल। ओल्डेस्ट पर्सन इन ए फैमिली का राइट आंसर आएगा एल्डेस्ट। टुगेदरनेस अमोंग पीपल का राइट आंसर आएगा यूनिटी। ए पीस ऑफ वर्क का राइट आंसर आएगा टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस अस गिवन इन द स्टोरी। स्टोरी में से जो सेंटेंस दिए गए उन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट, एन ओल्ड मैन हैड डैश डैश डैश।
एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था, तो उसके कितने पुत्र थे? फोर सन. राइट आंसर आएगा फोर सन. डू नॉट क्यूरल लाइक दिस बी डैश डैश डैश. इस तरह झगड़ा मत करो, इस तरह झगड़ा मत करो. तो राइट आंसर आएगा गुड टू ब्रदर्स, अच्छे ब्रदर्स. नेक्स्ट, टाई दिस स्टिक्स टूगेदर डैश डैश डैश. इन छड़े एक साथ टाई, इन छड़ों को एक साथ टाइट कर दो. तो इन टू अ बंडल, इन छड़ियों को एक साथ बंडल बनाओ. सो माई सन्स एलवाइज देश देश देश. इसीलिए मेरे बेटे हमेशा, इसीलिए मेरे बेटे हमेशा. तो राइट आंसर आएगा नेवर क्यूरल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हम आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, वाज द ओल्ड मैन अबल टू स्टॉप हिज सन्स क्यूरल. क्या बोल रहा है कि बूढ़े आदमी अपने बेटे के झगड़ों को रोकने में सक्षम था? बूढ़ा आदमी अपने बेटे के झगड़ों को रोकने में सक्षम था. आंसर, नो द ओल्ड मैन वाज नॉट अवेल. नहीं, बूढ़ा आदमी अपने बेटे के झगड़ों को रोकने में सक्षम नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही आस्क हिम देम टू ब्राइन. उसने उन्हें कहा लाने के लिए, उसने उन्हें क्या लाने के लिए कहा? आंसर, ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम टू ब्राइंग हिम अ स्टिक. उसने उन सभी को एक छड़ी लाने के लिए कहा था, उसने उन सभी को एक छड़ी लाने के लिए कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एल्डेस्ट सन डू विथ द पीस ऑफ स्ट्रिंग. सबसे बड़े बेटे ने स्ट्रिंग के टुकड़े के साथ क्या किया? सबसे बड़े बेटे ने स्ट्रिंग के टुकड़े के साथ क्या किया? आंसर, द एल्डेस्ट सन टाइड टू स्टिक टुगेदर इनटू अ बंडल विथ द पीस ऑफ स्ट्रिंग. सबसे बड़े बेटे ने लाठी को रस्सी से पोटली में बांध दिया, लकड़ियों को रस्सी से एक पोटली में बांध दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर द सन अबल टू ब्रेक द स्टिक्स एट फर्स्ट, वाई. मीन्स होता है, क्या पहली बार में छड़ी तोड़ने में सक्षम पुत्र थे? क्या पहली बार छड़ी तोड़ने में सक्षम पुत्र थे? आंसर, नो द सन वर नॉट अबल टू ब्रेक द स्टिक्स एट फर्स्ट बिकॉज दे वर टाइड टुगेदर इंटू अ बंडल. नहीं, पुत्र पहले डंडे नहीं तोड़ सकते थे, पुत्र पहले डंडे नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि उन्हें गठी में बांध दिया गया था, क्योंकि उन्हें गठी में बांध दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन्स अनटाइड द बंडल नाउ दे वर अबल टू ब्रेक द स्टिक्स, वाई. पुत्रों ने बंडल खोल दिया, पुत्रों ने बंडल खोल दिया, अब वे लाठी तोड़ने में सक्षम थे क्यों? पुत्रों ने बंडल खोल दिया, अब वे लाठी तोड़ने में सक्षम थे क्यों? आंसर, यस दे वर अबल टू ब्रेक द स्टिक आफ्टर अनटाइंग द बंडल एज द स्टिक्स वर सेपरेट दिस टाइम. हाँ, इस बार अलग होने के कारण, इस बार अलग होने के कारण वे गठिया खोलने में सक्षम थे, वे गठिया खोलने में सक्षम थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी बी सेफ फ्रॉम और इनेमेंस. हाउ कैन वी बी सेफ फ्रॉम और इनेमेंस. हम अपने दुश्मनों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हम अपने दुश्मनों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आंसर, वी कैन बी सेफ फ्रॉम और इनेमेंस बाय स्टेइंग टुगेदर. हम एक साथ रहकर
रहकर हमारे दुश्मनों से सुरक्षित रह सकते हैं। हम एक साथ रहकर हमारे दुश्मनों से सुरक्षित रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन एक्चुअली विश हिज सन्स टू डू। बूढ़े आदमी वास्तव में अपने बेटों को क्या सिखाना चाहते थे। वास्तव में अपने बेटे को क्या करना चाहते थे। आंसर, द ओल्ड मैन एक्चुअली विश्ड हिज सन्स टू स्टे टुगेदर। बूढ़े आदमी ने वास्तव में अपने पुत्रों को एक साथ रहने की कामना की।